चलो दोस्तों, फिर से हम निकल चुके हैं जिंदगी के भागदौड़ में एक बार फिर बेजुबान को बचाने के लिए। तो ये मछली गांव है हमारे नीरे से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पर अभी एक सांप देखा गया, तो यहाँ पर ही रेस्क्यू करने के लिए आना पड़ा। तो सबसे पहले रूबरू कर जाएंगे उनको जिनका सांप दिखा। तो तुमसे पूछना था ठीक है दोस्तों, ठंडी का दिन चालू है अभी, इसके वजह से गर्मी के लिए सांप हमारे तुम्हारे घरों में घुस जाया करते हैं। चलो आइए, बने रहे हमारे वीडियो में, कौन सा सांप है क्या है उसे फटाफट के अंदाज में रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, सांप किस अंदाज में छुपा हुआ है। ये पुराना घड़ा है और ये घड़े के ठीक पीछे ही सांप छुपा हुआ है, कवेलियों के और घड़े के गैप में देख सकते हैं आप, आराम से छुपा बैठा है ये। तो इसे अभी सही सलामत रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसे इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा कहा जाता है। हिंदी और मराठी में नाग, कई कई गेवन, कई कई फिडार और कई कई खरीज के नाम से भी जाता है, जाना जाता है। अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है और साइंटिफिक इसका नाम ना जाना जाए दोस्तों। इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का वेनम होता है जिसके बाइट होने के बाद इसके बाइट होने के बाद अपने को ज्यादा कोई झाड़ फूक के चक्कर में गिरना नहीं है, सीधे सरकारी दवाखाना जाना और अपना सही से इलाज करवाना। सांप को कान नहीं होते दोस्तों, कोई भी हिलती डुलती चीज के तरफ इसका ध्यान केंद्रित करना है अपने को। इसे कपड़े के बैग में हम सही सलामत पैक करेंगे और बाद में इसे इसके अनुकूलित वातावरण में छोड़ दिया जाएगा।
इसे कपड़े के बैग में हमने सही सलामत पैक कर दिया है, बाद में इसे इसके अनुकूलित वातावरण में छोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों हमारा काम आपको अच्छा लगता है तो वीडियो में लाइक करो, शेयर करो, और वीडियो में नए दोस्तों तो एक सब्सक्राइब कर देना। मिलते फिर ऐसे कोई अगले वीडियो में कोई बेजुबान को बचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।